guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Today I am doing vlog. Like हम लोग के यहाँ पे एक दिन पहले ईद होती है, so today is 10th April. 10th April यहाँ पे ईद है. तो लाइक मैंने अपने घर से निकल चुकी हूँ, सब रिलेटिव्स रिश्तेदारों के घर पे जाने के लिए, सबसे मिलने के लिए तैयार व्यार होके. सो अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. तो हाय लिया, हाय बरी, हाय माय हस्बैंड लिया, बेबी मी और सारे हमारे घर के बच्चे. हाय बरी, हाय मक्कड़ बरी और किला में. So yeah guys, अभी हम लोग निकल गए हैं. ईद के दिन हम लोग अपने सारे रिलेटिव्स रिश्तेदार के घर पे जाते हैं, सबको विजिट करते हैं. हम लोग ऑलमोस्ट मेरी टोटल 7 सिस्टर इन लॉज है, जिसमें से हम भी हम लोग 4-5 जगह पे चले गए. अब मैं अपनी एक और सिस्टर इन लॉ के घर पे आई हूँ. ये उनका घर है, ये बीच साइड पे उनका घर है. जाने के बाद हम लोग को पता चला कि मेरी सिस्टर है ही नहीं, वो कहीं और विजिट करने गई है. तो ऐसे हम लोग सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, और ईद के दिन तो कितनी ज़्यादा नींद आती है. बट हम लोग को सो के नहीं गुजारना था, इसीलिए हम लोग एवरी ईद वी विजिट आर रिश्तेदार रिलेटिव्स कजिन्स. यहाँ पे शिरखुरमा नहीं देते, यहाँ पे आपको ऐसा जो स्नैक्स होता है ये मिलता है, जो कि होम मेड है, और हम लोग जूस पिए. उसके बाद में बच्चों को सबको ईदी दिए, या मेरे हस्बैंड यहाँ पे सबको ईदी दे रहे. ये मेरे सिस्टर इन लॉ के बच्चे हैं, और यहाँ से हर जगह पे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ से सबके बच्चों को हम लोग अपने साथ घर लेके जाते हैं. यहाँ पे मैं अपना आउटफिट दिखा रही हूँ, बिकॉज वाई नॉट, ये मेरा ईद का ड्रेस है जो मैंने इंस्टाग्राम पेज से परचेज की. यहाँ से अभी हम लोग के साथ में जा रहे हैं दो और लोग. इनी रंडा लगूड़ी है ले, अला सिंस वी लिव इन केरला, यहाँ पे हम लोग मलयालम लैंग्वेज में बात करते हैं. सो या दैट्स व्हाई यू विल सी मी स्पीकिंग इन मलयालम लैंग्वेज. बट या यहाँ से अभी सारे हमारे बच्चे पीछे की सीट में इतना कंजस्टेडली बैठ गए थे. अब हम लोग जा रहे हैं एक और सिस्टर इन लॉ के वहाँ, बिकॉज ईद इज ऑल अबाउट दिस, या सबके साथ मिलना. और बच्चे सब हमारे साथ इसीलिए आए क्योंकि जितने घर में जाएंगे उतनी ईदी मिलेगी. तो द मेन पर्पज इज दैट. देख सकते हो ये सारे मेरे सिस्टर इन लॉ के बच्चे हैं, इसीलिए बोल रही हूँ हमारे घर के बच्चे. वी रीच्ड वन मोर हाउस एट अनदर हाउस. अला लिया, आंखों से पानी निकल रहा है, लिटरली इतनी नींद आ रही है. अला इका ओर्क वरनले, ओर्क बनिट कण कानले. यहाँ से मेरी बेटी को बच्चों लोग ने उठा लिए थे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी. और अब हम जा रहे हैं अंदर. इज सिक्स्थ हाउस मेरी सारी ननंद के वहाँ पे. ऑल माय सिस्टर इन लॉज आई हैव विजिटेड ऑल देयर प्लेसेस. अभी मेरी ये लास्ट ननंद है, यहाँ पे मैं आ गई हूँ. टोटल 7 है, बट एक का घर बहुत ज्यादा दूर है तो हम लोग नहीं जाते. मैंने हर किसी के घर से व्लॉग नहीं किया बिकॉज एवरी वन इज नॉट कम्फर्टेबल. तो या अब मैं यहाँ से फिर सीधा घर जाऊंगी. मैं थोड़ा सा आपको घर भी दिखा देती हूँ. यहाँ पे लिया सो गई थी, बिकॉज या शी वॉज वेरी टायर्ड. बच्चे सब लोग जाके सोफे पे बैठ गए थे कुछ टाइम के बाद में. एंड यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को ढूंढते हुए फाइनली वो मुझे मिली, बट मैं कैप्चर नहीं की हूँ उनको. और हम लोग सीधा गए किचन में, बिकॉज ईद इज़ ऑल अबाउट ईटिंग. तो यहाँ से हम लोग ने चिकन फ्राई उठाए, और मैंने मेरे हस्बैंड ने लड़के चिकन खाए, बिकॉज या वाई नॉट. हम लोग लाइक दोपहर का खाना नहीं खाते, हम लोग सब जगह से थोड़ा 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 कुछ ना कुछ खाते रहते. सो दैट्स हाउ वी स्पेंड आर ईद. एज आई सेड, यहाँ पे शिरखुरमा नहीं देते, यहाँ पे आपको अच्छा कोई जूस मिल जाएगा, उसी के साथ में स्नैक्स मिल जाता है. नाउ हम लोग वहाँ से निकल गए और भी रिलेटिव्स के वहाँ पे आ गए. ये हम लोग के एग्जैक्ट जो जो घर में वैसे रिलेटिव्स है पास में ही रहते हैं. तो या लास्टली सब जगह पे घूम फिरने के बाद में घर पहुंच गए. मेरी बच्ची कितना रो रही है देख सकते हो. बच्चे सारे सोफे पे पड़ गए, और मैं भी अपनी ड्रेसिंग व्रेसिंग सब निकाल के अपना नॉर्मल पीजे पहनने वाली हूँ, नाइट सूट. इसके आगे मैंने व्लॉग नहीं की, बट देर वॉज अ सरप्राइज फॉर मी. 11th अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है, और 9 बजे ही मुझे सरप्राइज मिल गया क्योंकि मेरे सारे सिस्टर इन लॉ तब तक घर पे आ गए थे. एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज किया. इतनी हमारे घर के जो बच्चे थे सब लोग थे, तो बहुत अच्छा लगा. इट्स नॉट लाइक वी आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे, बट ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ें खुशियाँ हम लोग सेलिब्रेट कर ही लेते हैं. केक काट के केक खा लेते हैं. या और यहाँ पे बच्चे लोग ने मुझे चॉकलेट दी है, लाइक सो स्वीट ऑफ देम. आई एम सो हैप्पी, अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला ब्लेस्ड. बड़ी बड़ी
तो यहाँ पे बहुत सारे पटाखे लेके आ गए थे पटाखे फोड़ने के लिए एज अ ईद सेलिब्रेशन और मेरा बर्थडे दोनों था तो इसलिए वैसे भी घर पे जब बच्चे आते हैं तो हम लोग ईद के दिन पटाखे फोड़ते ही है ऐसा कुछ बर्थडे स्पेशल नहीं था हाँ थोड़ा ज़्यादा हम लोग ने जलाया दैट्स इट एंड या दैट्स इट आई रियली होप आप लोग को अच्छा लगा रहेगा मेरा व्लॉग इट्स बीन रियली लॉन्ग मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाई तो इसीलिए जो मेरा एक्सपीरियंस है मतलब मेरे को आजकल बनाने नहीं आ रहा है बट एनीवे देख तो इतने सारे पटाखे हम लोग ने फोड़े जस्ट लुक एट दिस कितना अच्छा लग रहा है सब हम लोग ने घर के बाहर क्रैकर्स बर्न किए एंड या इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस घर की सारी औरतें लेडीज बच्चे सब नीचे खड़ के देख रहे थे जब वो क्रैक हो रहा था अच्छा लगा हम लोग को दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट लेट मी नो आपने अपना ईद कैसे सेलिब्रेट किए ऑल्सो नेक्स्ट दिन क्योंकि मेरा बर्थडे था तो हम लोग ने सोचा पूरी फैमिली जो भी घर पर अवेलेबल है हम लोग मैसूर जा रहे हैं तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको मेरा मैसूर व्लॉग दिखाऊंगी लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू सी मैसूर व्लॉग देन इट विल बी अप सून लेट मी नो आपको मेरा अ डे इन माई लाइफ कैसा लगा हियर माई डॉटर इज विशिंग मी हैप्पी बर्थडे दैट्स सो स्वीट आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा रहेगा प्लीज कमेंट डाउन इफ यू लाइक दिस